हेलो फ्रेंड्स, आज मिट्टी में बनाएंगे हैंगिंग लैम्प कटिंग करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाए पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। वेलकम टू माय आर्टिक चैनल। मेरा पास नेचुरल मिट्टी है और कुछ अवेलेबल टूल्स होममेड। आपका पास भी ये अवेलेबल टूल्स जुगाड़ कर लीजिए, नहीं तो मेरा चैनल पे जाकर टूल्स बना लीजिए। मिट्टी को बेलन से जैसे रोटी बनाते हैं ना, इस टाइप का एक रोटी चाहिए, तो आप बना लीजिए रोटी। ये देखिए मेरा रोटी रेडी है, एकदम पतला थिकनेस का ये मैंने स्लैब बना लिया। अभी इसको कटिंग कर लीजिए एक रेक्टेंगल शेप। अपने पास जितना साइज का रोटी रेडी हो गया उसको मैक्सिमम एरिया रख के आप रेक्टेंगल शेप में कट कर लीजिए। तो इसको क्या करें, इसको घुमाएंगे और दोनों एंड पार्ट को जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा जोड़ने का बाद, चलिए देखते। बहुत संभाल के करना पड़ेगा, मिट्टी गीला है। ज्यादा हार्ड होगा तो भी मुश्किल आएगा घुमाने के टाइम, ये क्रैक होता है, मतलब क्रैक हो जाएगा। और ज्यादा गीला होगा तो आपका फिनिशिंग ठीक नहीं होगा, टूट जाएगा, है ना। तो आपको ये कितना मॉइस्चर होना चाहिए ये इसका बैलेंस आपको खुद ही देखना पड़ेगा। दोनों साइड एकदम अच्छा से ज्वाइन करने के बाद इसको फिनिश भी कर लीजिए, मतलब बाहर से पता ना चले। अभी बन गया आपका सिलेंडर, है ना। इसको आउटर साइड को एकदम स्मूथ कर लीजिए, कहीं पे क्रैक हो गया तो उसको फिनिश कर लीजिए। अभी इसके ऊपर फ्री हैंड ड्राइंग कर लीजिए। आप अपना मर्जी से आप ड्राइंग कर सकते, अपना जो डिज़ाइन पसंद है इस टाइप का डिज़ाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। मैं एक डिज़ाइन मैं बना के दिखाता हूँ आप लोगों को एज ए सैम्पल। मैंने यहाँ पे देखिए हाफ सर्कल करके एक डिज़ाइन बनाता हूँ, इसको ड्राइंग को एकदम फ्रेश कर लीजिए, क्योंकि ये लाइन आपका परमानेंटली डिज़ाइन के साथ रह जाएगा। तो ये लाइन भी बहुत अच्छा स्मार्ट होना चाहिए। अभी अंदर में कुछ जिगजैग कुछ डिज़ाइन, बहुत ही सिंपल कुछ डिज़ाइन मोटिव्स यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे सिंपल करके डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा यूनिक एक लुक देगा। तो देखिए यहाँ पे सिंपल कुछ लाइन ड्राइंग यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ।
इस टाइप का काम में आपको मिट्टी को बहुत ही अच्छा फाइन स्मूथ करके इसको छान के प्रोसेस जो मैंने दिखाया सा होना चाहिए। चलिए काटिंग स्टार्ट कर देता हूँ। काटिंग करने के लिए मेरा यहाँ पे अभी मिट्टी थोड़ा गीला है और थोड़ा टाइट होना चाहिए था, तो आप लोग प्लीज़ इसको देखिए, कटिंग करने का बाद थोड़ा हार्ड कर लीजिए, मतलब कटिंग करने का पहले थोड़ा हार्ड कर लीजिए, क्योंकि जो कटिंग हो रहा है ना ये बहुत ही अच्छा बहुत ही स्मूथ होगा, तो इसलिए एक बार हल्का करके सुखा लीजिए ऐसे ही, मतलब शैडो में, धूप में मत रखिए, और एक दो कट करके देखिए ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप ऐसा करके पूरा कटिंग कर लीजिए। तो मैं जो बता रहा था, मिट्टी इसीलिए स्मूथ होना चाहिए। तो मेरा चैनल पे जाकर एक बार देख लीजिए, वहाँ पे मिट्टी तैयार करने के लिए, रेडी करने के लिए जो आपका पास अवेलेबल मिट्टी है, तो इस मिट्टी को आप प्रोसेस कर लीजिए, थोड़ा छान के घोल के सुखा लीजिए, और उस मिट्टी में थोड़ा टाल्क पाउडर मिला के, तो ये मिट्टी आप इस टाइप का काम जब करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही सुंदर होगा, है ना। इस टाइप का बहुत अच्छा अच्छा वीडियोस मैं लेकर आऊँगा, सिर्फ आर्ट नहीं, आर्ट का साथ साथ आपको आर्ट रिलेटेड जो टेक्निक्स है ये आपको सीखना पड़ेगा। जैसा आप सोचिए, मिट्टी का जो काम आप कर रहे हैं, ये करने का बाद इसको रखना कैसा है, इसको मेंटेनेंस कैसा करें, इसको सुखाए कैसे, इसको कलर कैसे करें, उसको मोल्ड, कास्टिंग, डाइज, फिनिशिंग, तो पूरा के पूरा जो स्कल्पचर रिलेटेड आर्ट म्यूरल जो भी है ये टेक्निक्स का ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा जो है चैनल पे, मैं कोशिश करता हूँ सिर्फ आर्ट ही नहीं, आर्ट का रिलेटेड जो टेक्निक्स आपको पता होना चाहिए ये भी सिखाऊंगा। मिट्टी के बारे में आप लोगों का बहुत क्वेश्चन है, लेकिन प्लीज़ मेरा चैनल पे जाकर एक बार वीडियोस में जाइए, प्लीज़ उस पर एक बार देख लीजिए, जो अपलोडेड वीडियोस है उनमें से जो टेक्निक्स रिलेटेड है एक बार प्लीज़ एक बार देख लीजिए। स्टेप का आप भी काम घर में कर सकते हैं, और उसको अच्छा से सुखा लीजिए दोनों साइड, इसको फाइन एकदम 300-400 नंबर का जो सैंड पेपर है उससे इसको घिस दीजिए, और इसको पेंट करके भी बहुत अच्छा लुक्स नजर आएगा। इस टाइप का वीडियोस आप देखना चाहते हैं मेरा चैनल पर आइए, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपका नोटिफिकेशन आपका पास पहुंच जाए। देखिए फाइनल लुक्स आपका कैसा लग रहा है कमेंट कीजिए। मेरा आर्टिक चैनल पर जाकर सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए, और साइड में बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दीजिए, और ऑल वीडियोज़ आप एंजॉय कीजिए मेरा चैनल पर। थैंक यू।